सो गाइस गाली ना दे यार और मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोटिवेट रहूँगा तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँगा। इधर से शायद धूप आ रही है गाइस, तो अच्छा नहीं लग रहा। और अब पापा भी आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी एक जगह और जाना है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मुझे जाना है, हिंट दूं क्या, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन बॉय गणेश और मैं आपका भाई गोल्डन बॉय गणेश। सो गाइस आज मैं शायद परफॉर्म करने नहीं जाऊंगा यार, क्योंकि मुझे अचानक सडनली मुझे एक काम आ गया था, इस वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। और गाइस मैं जा ही रहा था, मैं आधा टूर नहीं दिखा पाया, सॉरी। मैं क्या थोड़ा फैमिली के साथ था तो इस वजह से गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर रहा था तो दिखा नहीं पाया, बट आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। जैसे बारा जाते अपन तो बारा के बीच में एक बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर है माता रानी का, तो मैं आपको माता रानी के दर्शन भी कराऊँगा और आपको बताऊँगा मैं कहाँ कहाँ घूमता हूँ और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता हूँ। सो गाइज बने रहिए हमारा ब्लॉग के साथ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी गाड़ी है गाइज, छोटी सी गाड़ी है, आप लोगों के प्यार से सपोर्ट से ये सब कुछ हो पाया है। सो गाइज मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ मंदिर। पंडित है क्या वहाँ पर अंदर? पंडित वगैरह बेटे आ रहा हूँ, पैसे दे दे, चलो ठीक है। सो गाइज ये है मंदिर माता रानी का जो कि आप देख पा रहे हो, और इधर का नज़ारा बहुत ही प्यारा है भाई, गजब। इधर देखो, इधर खेत वगैरह है। और मैं भी जाऊंगा फ़िलहाल मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इस वजह से मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये वाला साहब मतलब इतना प्यारा है ना, इतना बड़ा मंदिर देखा, बहुत प्यारा लगा। सो गाइस मैं भी चलता हूँ, जूते वगैरह उतार दूँ, और फ़िलहाल मोबाइल अंदर अलाउ है नहीं तो मैं मोबाइल रख के जाता हूँ, मिलता हूँ आपको वापस आके। सो गाइस दर्शन कर लिए और ये मंदिर का लास्ट व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ। क्या हो गया, हवा निकली? सो गाइस ये बाहर का व्यू है मंदिर का जो कि मैं इधर से दिखा रहा हूँ साइड से। ये मंदिर बहुत पुराना है गाइस, ये मंदिर पहले जो ये देख रहे हो आप नीचे की साइड पे, ये कुछ स्टॉल वगैरह खुल गया है यहाँ पे, नाम है श्री डेरुमा, हाँ डेरुमा माता का मंदिर है। सो ये पेड़ देख रहे हो यहाँ पे था ये मंदिर, फिर यहाँ से शिफ्ट कर दिया यहाँ पर ऊपर। गाइस बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ पर नवरात्रि में, और वैसे ऐसे भी आ सकते हो आप संडे के दिन, बहुत अच्छा मेला वगैरह लगता है यहाँ पर। सो अब हमने दर्शन कर लिए तो अब हम चलते हैं, क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं, वो देखो गाड़ी को देख रहे हैं बार बार, पता नहीं शायद हवा वगैरह कम हो गई है सो देख रहे हैं। सो गाइज ये है हमारी प्यारी सी गाड़ी। और अब सो गाइज जाने वाले थे कि मुझे अचानक ही सुस्सू आ गई यार, तो जा रहे हैं। ये मेरा छोटा सा भांजा, मेरा छोटा ही छोटा वाला भांजा है, ये मेरी बड़ी दीदी का लड़का है, ये अभी दो और है, तीन है दीदी के। सो ये मेरा भांजा है, हम दोनों जा रहे हैं सुसु करने। मैंने बोला चलो, इन्होंने बोला मामू मैं भी चलूँगा, मैंने कहा चल चल तू यही कर ले, मैं आगे जा रहा हूँ ठीक है। सो गाइस मैं सुसु कर लेता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ देखोगे, ऐसी झाड़ियों में जा रहा हूँ ना गाइस, पता नहीं मतलब देखो, बाप रे बाप जंगल ही जंगल, इधर जाके सुसु करेंगे। चलो गाइस अब मैं सुसु कर लूँ यार। सो गाइस हो चुकी है हमारी मतलब हो चुकी है हमारी सुसु वगैरह, और अब हम हो गए फ्री, और अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। और इधर मोनू बैठ गया है मेरे इंतज़ार में कि मामा कब आएंगे, अब मैं आ गया हूँ, चले। सो गाइस देखते रहिएगा अच्छे अच्छे ब्लॉग, अभी अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाऊंगा आपको, बहुत प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पर देखने के लिए। अभी हो सका तो मैं शायद आपको एक पार्क भी दिखाऊँगा, इतना प्यारा पार्क है ना गाइस, मतलब गजब यार, वाटर पार्क के लो या पार्क के लो, दोनों दोनों ही चलेगा, इतना प्यारा है। अब हम आ गए और अब हम बैठते गाड़ी में, एक मिनट रुक जाओ, आराम से जाओ बाबा, आराम से जाओ, निकलने दो एम्बुलेंस को, स्पीड में आ रही, आ जा जा। सो गाइस फाइनली हम सुसु वगैरह करके गाड़ी में बैठ चुके हैं,
और अभी पापा भी गए हुए हैं, शायद उनको जगह नहीं मिल रही, इधर उधर ढूंढ रहे हो। सो अभी पापा आते ही फिर चलते हैं अपन, फिर दिखाएंगे आपको आगे की लोकेशन। और तब तक के लिए अपने भाई को सुनते रहिए। ये गाइस मेरा भांजा है, ये शायद आपने कभी ब्लॉग में या कहीं देखा भी नहीं होगा, मेरा छोटा ही छोटा भांजा है। तीन भांजे मेरे, बड़ी वाली दीदी के तीन, छोटी वाली के दो। अभी उनसे मिले नहीं हो आप, दो से भी नहीं मिले हो, अभी ये तीसरा वाला है, छोटा वाला, इससे मिले हो। सो अच्छा लगता है आप लोगों को फैमिली से मिलाना वगैरह भी, और आप ऐसे कमेंट करते नहीं हो पर मैं फिर भी मिला देता हूँ। लेकिन अच्छा लगता है यार आप लोगों से बात करके, मेरी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराने से, और आप लोग भी अच्छा प्यार देते हो मुझे, इस वजह से मैं आपको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप ही एक मेरा ऐसा परिवार हो जो मेरी बातों को समझते हैं, और मतलब मेरी बातों को समझते भी हो और सीरियस भी लेते हो कुछ कुछ, और कुछ कुछ है निकम्मा में। जाने दो, छोड़ो ना। सो गाइज अच्छा लगे तो यार भर भर के कमेंट करना, और मैंने बताया था ना आपको पहले वाले ब्लॉग में कि अगर जो भी कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट पे ज़रूर नाम लेके उसको ज़रूर कमेंट करूँगा, और उसका कमेंट पढ़ के भी बताऊँगा, जिसका जो भी अच्छा, इतना अच्छा कमेंट लगा मुझे गाइज, तो मैं ज़रूर पढ़ के बताऊँगा पब्लिक के सामने, आपका नाम भी लूँगा। और आप कोशिश करिएगा कि अच्छा से अच्छा कमेंट करो, गाली ना दे यार, क्योंकि गाली फिर आप जानते हो सबको आती है, अभी पढ़े लिखे सभी है। सो इस वजह से एक मिनट में यार रख देता हूँ गाड़ी पे, ये हमारा स्टेयरिंग। सो गाइज गाली ना दे यार, और मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोटिवेट रहूँगा तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँगा। इधर से शायद धूप आ रही है गाइज, तो अच्छा नहीं लग रहा। और अब पापा भी आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अभी एक जगह और जाना है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मुझे जाना है, हिंट दूं क्या, मुझे जाना है पुलिस स्टेशन। सो गाइज जा रहा हूँ मैं पुलिस स्टेशन, और मोबाइल यहाँ रख देता हूँ। एक्चुअल में क्या ओ सो गाइज जा रहा हूँ मैं फाइनली पुलिस स्टेशन, पता नहीं गाइज क्या होगा, डर अलग लग रहा है यार, पता नहीं पुलिस वाले क्या बोलेंगे, और धूप आ रही है, शायद आपको दिख कम रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद। अरे ब्रेकर आ रहा है यार, स्पीड ब्रेकर। सो गाइस फाइनली हम आ गए थाने के पास, और पहले हम गाड़ी पार्क कर देते हैं यार, बस थाना ही आ गया, एक बार दिखाना थाना इधर। सो गाइस ये रहा थाना, और हम गाड़ी लगाते हैं थोड़ी सी आगे। सो गाइस चलते हैं थाने में अंदर, और वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होगा यार, तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बस थोड़ी सी वीडियो, अब चलता हूँ मैं अंदर। सो गाइस फाइनली हम थाने में होके आ चुके हैं, और भाई हालत ख़राब होगी बहुत भयंकर, पसीना पसीना हो रहा है देखो, और सामने इतनी धूप है ना कसम से बता नहीं सकते। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, और पुलिस स्टेशन में क्यों गया था, सो गाइज आपको मैं बता दूं, आप भी थोड़ा सस्पेंस में होंगे।
पुलिस स्टेशन में इसलिए गया था क्योंकि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना था, मुझे कहीं मुझे अप्लाई करना है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। सो इसलिए गाइस मैं पुलिस वेरिफिकेशन मतलब अप्लाई करने के लिए गया हुआ था और मैंने अप्लाई कर दिया है। अब उन्होंने बोला है कि 6-7 दिन लगेंगे आने में। और गाइस जितना मैं डर रहा था उतना था नहीं यार डर, क्योंकि पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, मुझे प्यार से बिठाया और बातचीत करी और डॉक्यूमेंट्स देखे। हालांकि काफ़ी वेट करवाया लेकिन फिर डॉक्यूमेंट्स देखे मैं आ गया। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा और जो अच्छा कमेंट करेगा मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, वो भी पर्सनली नाम लेकर। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, लव यू और थैंक यू सो मच।